हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रोमा। स्वागत है आप सभी का मेरी रसोई में। आज हम बनाएंगे एकदम मार्केट स्टाइल टेस्टी चटपटी मसालेदार भाकरवाड़ी। देखने में ये डिश जितनी खूबसूरत है ना, खाने में उतना ही ज्यादा टेस्टी लगता है। मतलब इसमें खट्टे, मीठे, तीखे, चटपटे बहुत सारे फ्लेवर होते हैं। आप इसे चाय के साथ खा सकते हैं, ट्रेवल पर ले जा सकते हैं और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है। साथ ही आप इसे एक महीने स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, प्लीज मेरे चैनल मेरी रसोई को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए टेस्टी चटपटी भाकरवाड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा बारात ले लेना है इस तरह से। अब लेंगे यहाँ पे 2 कप मैदा। आप चाहे तो कम कर सकते हैं, क्वांटिटी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 कप मैदे से बना रही, थोड़ा सा ज़्यादा ही बना रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो मैंने आप 1 छोटी चम्मच नमक डाल दिया है। अजवाइन 1 छोटी चम्मच डालना है। अजवाइन को थोड़ा सा क्रश करके डालिएगा हाथ से मसल करके। अब दोनों को करना है आटे में मिक्स। तो इस तरह से आटे में मिक्स कर दीजिए ताकि नमक और अजवाइन दोनों अच्छी तरह से मिल जाए। अब हम यहाँ पे डालेंगे 3 बड़ा चम्मच ऑयल। तो कोई भी कुकिंग ऑयल आप डाल सकते हैं, यहाँ पे घी का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पे आपको 3 बड़ा चम्मच बेसन डाल देना है। मैं उसे रिकॉर्ड करना भूल गई थी, कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 बड़ा चम्मच बेसन डालने के बाद मिक्स करें और इस तरह से हल्की मुट्ठी बांधने तक इसमें मोयन डालना है। बस हल्के हाथ से इस तरह से मुट्ठी बांधे और ये अच्छे से बंध जाए तो यानी मोयन परफेक्ट है। इसे ज़्यादा नहीं डालें, नहीं तो जो भाकरवाड़ी होता है ना उसके ऊपरी वाले हिस्से पे ना बबल्स टाइप का आने लगता है। तो हल्के से डालना है मोयन। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका सख्त आटा तैयार कर लेना है। तो इस तरह से एकदम थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा और सख्त आटा तैयार कीजिएगा, जैसे समोसे के लिए तैयार करते हैं ना। थोड़ी सी टाइट आटा होनी चाहिए, नरम एकदम ना करे फ्रेंड्स, नहीं तो इसे भाकरवाड़ी बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। जब हम उसमें मसाले लगाएंगे ना तो वो शेप अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो अब हम यहाँ पे लेंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल और इसके ऊपरी हिस्से पे इस तरह से लगा देना है बिल्कुल अच्छे से। इससे क्या होता है, भाकरवाड़ी बहुत ही अच्छे बनते हैं, यानी ऊपर का जो लेयर होता है ना वो बहुत क्रिस्पी बनता है। अब इसे ढक करके 10 मिनट रेस्ट के लिए रख देना है। तो चलिए जब तक ये रेस्ट कर रहा है तब तक हम इसके लिए मसाले तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे लेना 1 बड़ा चम्मच जीरा, तो इस तरह से साबुत जीरा लेना है। 2 बड़ा चम्मच लेना है धनिया। अब लेंगे यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच वाइट सेसमे सीड्स यानी सफ़ेद तिल, थोड़े से यानी 7 से 8 दाने लेना है ब्लैक पेपर काली मिर्च के। 1 बड़ा चम्मच सौंफ डालें। इसके बाद हम डालेंगे 2 बड़ा चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा। अब इन सारे चीज़ों को करना है अच्छे से मिक्स और इससे ही बनकर तैयार होते हैं भाकरवाड़ी के जो बीच का मसाला होता है ना, बस वहीं। अब इन्हें क्या करना है, मीडियम फ्लेम पे थोड़ी सी अच्छी खुशबू आने तक इसे फ्राई करना है यानी इसे भून लेना है। तो इस तरह से कंटिन्यूअसली चलाते हुए भूनिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो एक तरफ से ये चिपक जाएंगे और थोड़े से जले जले से हो जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, भून चुका है और यहाँ पे ना 1 से 2 मिनट का समय लगता है, मैक्सिमम 3 मिनट का समय लगता है और ये अच्छे से भून के तैयार हो जाता है। कलर भी चेंज हो गया और खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही थी फ्रेंड्स, मतलब इसकी सोंधी सोंधी खुशबू से ना पूरा किचन महक उठा था। तो अब इसे गैस से उतार लेना है। अब इसमें डालेंगे मसाले। तो यहाँ पे थोड़े से मसाले डालना है, यानी 1 छोटा चम्मच डालना है लाल मिर्ची पाउडर, थोड़े से 2 चुटकी डालेंगे हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल देना है। यहाँ पे डालेंगे चाट मसाला 1 छोटा चम्मच। अब इन सबको करना है अच्छे से मिक्स। तो मसाले इसमें पक जाएंगे क्योंकि पैन बहुत ज़्यादा गर्म है और मसाले भी गर्म है। तो इस तरह से गर्म पैन में ही डाल करके ना मसालों को थोड़ी देर के लिए चलाएंगे, यानी जो ये सूखे मसाले हैं ना वो अच्छे से भून जाएंगे इसमें। अब क्या करना है, इसे एक मिक्सी ग्राइंडर जार में डालना है और इसे दरदरा पीस लेना है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मसाला रेडी हो चुका है और बिल्कुल इसी तरह से पीसना, यानी हल्का दरदरा होना चाहिए तभी वो टेस्ट और वो फ्लेवर आएगा मुँह में। तो बिल्कुल इसी तरह से आप भाकरवाड़ी बनाइएगा तो एकदम मार्केट स्टाइल बनेंगे और पहली बार में ही परफेक्ट बनेंगे। तो चलिए ये मसाला रेडी हो चुका है, आटा को भी चेक कर लेंगे। तो इस तरह से एक बार और मसल दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि ये ऊपरी जो परत है ना वो दोनों इक्वल हो जाए, यानी एक साथ मिल जाए अच्छे से, ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। अब क्या करना है, एक नाइफ लेना है और इसे 3 बराबर भागों में काट देना है। तो अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भाग में काट सकते हैं। अब इसके एक एक लोई लेना है और इसे अच्छी तरह से कवर करते हुए इसका एक लोई बना लेंगे। ये देखिए,
बिल्कुल इस तरह से आटे का लोई बना करके तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब हम मैं यहाँ पे इसे बेल ले रही हूँ, तो इस तरह से पतला बेलना है इसे फ्रेंड्स, मोटा नहीं बेलिएगा नहीं तो वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे भाकरवाड़ी। तो बिल्कुल इस तरह से पतला बेल करके तैयार करना, आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं और ये रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना जब हम ये मसाले डालेंगे तो उसे चिपकाने होते हैं अच्छी तरह से, तो इसके निचले हिस्से पे ना इमली की चटनी ही लगती है फ्रेंड्स। आप यहाँ पे टोमेटो केचप भी लगा सकते हैं। अब हम इसे स्क्वायर शेप में चाहिए, तो यहाँ पे इसके जो एक्स्ट्रा जो किनारे हैं ना उसे काट करके निकाल देंगे बिल्कुल इस तरह से, और एकदम परफेक्ट स्क्वायर शेप होनी चाहिए। अब इसे ना इसके जो किनारे किनारे हैं ना उस पर थोड़ा थोड़ा सा छोड़ देना है साइड, यानी सारे चारों तरफ के किनारों का साइड थोड़ा सा छोड़ देंगे और बाकी के सारे में इमली की चटनी अच्छे से लगा देंगे। अब हम इसमें डालेंगे तीखे चटपटे मसाले, तो इस तरह से स्पून से चारों तरफ से फैलाते हुए डालिएगा फ्रेंड्स, और इसके किनारों पर मसाला और चटनी दोनों ही नहीं लगाना है ताकि अच्छे से आपस में चिपक सके। अब क्या करना है, इसे इसके नीचे जो इमली की चटनी लगी है और ऊपर से ये तीखे चटपटे मसाले, तो तीनों मिल करके ना एकदम खट्टा मीठा चटपटा फ्लेवर देता है। अब एक लेंगे बेलन और बेलन से ना हल्के हाथ से इस तरह से चला देना है ताकि मसाला अच्छे से चिपक जाए। अब क्या करना है, इस तरह से थोड़े थोड़े पोर्शन लेते हुए और इसका टाइट रोल तैयार करना है। एकदम टाइट रोल तैयार कीजिएगा फ्रेंड्स, इस तरह से टाइट रोल कीजिएगा, नहीं तो भाकरवाड़ी ऑयल में जाने के बाद इसके मसाले बिखर जाएंगे और आपस में ये चिपकेंगे नहीं। अब जो ये ऊपर के किनारे थे ना उसमें लगा देंगे थोड़ा सा पानी, तो इस तरह से जैसे मैं दिखा रही हूँ ना बिल्कुल सेम प्रोसेस करना है, और अंगूठे से ना इसे थोड़ा सा फैला देना है, जो आगे का हिस्सा है ना बिल्कुल इस तरह से थोड़ा सा इसे निकाल दीजिएगा बाहर ताकि आपस में चिपक जाए। अब इसे रोल कर देंगे और जो बाकी का जो लेयर है ना बिल्कुल इस तरह से उसे भी उंगली से चिपका देंगे और एक तरफ से करते हुए थोड़ा सा लंबा रोल कर लेना है। अब ये रोल तैयार हो चुका है, एकदम टाइट है, एकदम परफेक्ट रोल है। अब इसे ना भाकरवाड़ी बिखरेंगे नहीं ऑयल में और एकदम परफेक्ट बनेंगे। अब इसे एक एक इंच की दूरी पर काट देना है इस तरह से नाइफ से। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना टेस्टी ये चटपटा भाकरवाड़ी रेडी हो चुका है, देखने में कितना ज़्यादा अमेजिंग दिख रहा है और एक एक लेयरिंग इसमें दिख रहे हैं, मसाले भी अच्छे से कोट हुए हैं। अब क्या करना, अंगूठे से ना ये साइड साइड के जो बाहरी हिस्सा निकला हुआ है ना उसे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और ये मसालों को भी प्रेस कर देना है ताकि आपस में चिपक जाए इस तरह से, और ये टेस्टी सा भाकरवाड़ी रेडी हो चुका है एकदम फ्राई करने के लिए। ये देखिए है ना लुक बहुत टेस्टी दिख रहा है एकदम मार्केट जैसा। तो बिल्कुल इसी तरह से करके सारा भाकरवाड़ी तैयार कर लेंगे सेम प्रोसेस से, और ये इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है और बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो अब हम भाकरवाड़ी को फ्राई करेंगे, तो यहाँ पे ऑयल पहले ही गर्म करने के लिए मैंने रख दिया था, इतना ऑयल लेना है आपको ताकि भाकरवाड़ी अच्छे से इसमें डूब सके। अब हम आटे का थोड़ा सा पोर्शन डालेंगे और इस तरह से जब बबल्स आने लगे फिर हम इसमें सारे भाकरवाड़ी एक एक करके डालते जाएंगे। यहाँ पे ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, एकदम ऑयल को मीडियम फ्लेम पे रखना है, मीडियम और लो के बीच में रखिएगा फ्रेंड्स, और इसी में आपको फ्राई करना है। और ये भाकरवाड़ी डालने के बाद यहाँ पे टच नहीं करना है आपको, लगभग एक मिनट के लिए नीचे से अच्छे से पकने दीजिएगा लो फ्लेम पे एकदम। एक मिनट बाद हम इसे पलट देंगे, तो दूसरी तरफ से फ्लिप करके क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हमें फ्राई करना है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिएगा, गैस का फ्लेम लो ही रखना है, उससे ज़्यादा नहीं कीजिएगा। जब एक तरफ से ये पक जाए और दूसरी तरफ से फ्राई करते समय ना गैस को लो और मीडियम के बीच में कर देना है। और ये टेस्टी सा भाकरवाड़ी रेडी हो चुका है, आप देख सकते एकदम सुनहरा कलर आ चुका है और ऑयल में मसाला भी नहीं बिखरे हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से ये टेस्टी सा एकदम फ्लेवरफुल भाकरवाड़ी बनकर के रेडी हो चुका है। तो सेम प्रोसेस से हम सारा भाकरवाड़ी बना करके रेडी कर लेंगे, और ये देखिए है ना कितना चटपटा और टेस्टी दिख रहा है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं फ्रेंड्स, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सेम प्रोसेस से सारा भाकरवाड़ी फ्राई करके तैयार कर लेना है, और ये लीजिए ये टेस्टी सा चटपटे तीखे चटपटे मसालेदार भाकरवाड़ी बनकर के रेडी है। आप इसे एक महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है,
एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। और आप देख सकते हैं ना, मसाला एकदम पूरा कोटेड है, लेयरिंग भी इसकी बहुत अच्छी है। मैं इसे तोड़ करके भी दिखाऊंगी ये कितना ज्यादा चटपटी, मसाले से भरपूर, एकदम फ्लेवरफुल, टेस्टी सा बन करके रेडी हुआ है। तो इस तरह से एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आप सबसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।